दोस्तों आज छत्र पर्वणी की चौथी वीडियो अपनी क्वेश्चन नंबर 1 भारत संविधान के अंतर्गत हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है। एक मौलिक अधिकार है, राज्य का नीति तत्व है, एक सामाजिक नैतिकता है। जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 यूपी सिविल 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज बी, एक मौलिक कर्तव्य है। भारत संविधान के अनुच्छेद 51 का चाम है हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना एक मौलिक कर्तव्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? संप्रभुता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्रगान का आदर करना, भारतीय संस्कृति का संवर्धन करना। आर्यस आरडी अधिनियम 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। राइट आंसर इज डी, भारत संस्कृति का संवर्धन करना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नया भाग 4A तथा अनुच्छेद 41A को जोड़कर पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा ग्रहण करके नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया है। भारत संस्कृति का संवर्धन करना मूल कर्तव्यों में वर्णित नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भारत संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत उल्लिखित मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है। भारत की संप्रभुता की रक्षा करें और उसे अक्षुण रखें, आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करें। मधुबन से भेजा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था 2014। राइट आंसर इज डी, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण करें। संविधान के अनुच्छेद 51A के खंड ग में भारत की संप्रभुता की रक्षा करना, उसे अक्षुण रखना, खंड डी में आह्वान किए जाने पर देश की रक्षा करें, और खंड चार में सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। ये नागरिकों के 11 मूल कर्तव्यों से एक है, किंतु राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करके संबंधी मूल कर्तव्य का उल्लंघन नहीं, उल्लेख नहीं है, ठीक है, अपितु खंड झा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने और हिंसा दूर रहने का कर्तव्य उपबंधित करता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मूल कर्तव्य किस भाग में है? फर्स्ट, फोर्थ, सेकंड, फोर्थ ए। राइट आंसर एमपी एपीओ 2008। राइट आंसर इज डी, फोर्थ ए। सबको पता है इसलिए मैंने इसको फटाक से लगा दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक है, प्रत्येक नागरिक का साधारण कर्तव्य है, बताइए। मध्यप्रदेश अतिरिक्त जिला 2017, यूपीपीसीए 2004, यूपी लोअर सप्लीमेंट 2017। राइट आंसर एच बी, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। भारत संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। क्वेश्चन नंबर 6 वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना मूल अधिकार है, प्रस्तावना है, मूल कर्तव्य है, नीति निर्देशक है, बताइए। यूपीपीसीएस 1993। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना क्या है? राइट आंसर इज बी, मूल कर्तव्य है। भारत संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A का जा के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। क्वेश्चन नंबर 7 निम्न में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा दूर रहना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखना, जल्दी से बताइए। छत्तीसगढ़ संविधान 2017। राइट आंसर एच ए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से क्या भारत के प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है? अभी मैंने रिपीट हो गया, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्रगान गाना। यूपी लोवा 2002। कौन मूल कर्तव्य नहीं है बताना है।
राइट आंसर इज डी, राष्ट्रगान गाना। राष्ट्रगान का सम्मान करना देश की रक्षा करना है, वो प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण करना मूल कर्तव्य है, जबकि राष्ट्रगान गाना मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्यों का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में किया गया है, जिसके अधीन 10 मूल कर्तव्यों को वर्णित किया गया है। वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का राष्ट्रगान अनेक जाति धर्मों समुदाय तथा भौगोलिक विविधताओं के संगम एक देश के रूप में भारत का यथार्थ प्रतिबिंब है, यह अनेकता में एकता का संदेश है। उपरोक्त वाक्यांश उच्च न्यायालय के निम्न में से किस निर्णय से लिया गया है? संजीव भटनागर बनाम भारत संघ, भारत संघ बनाम रवीन जिंदल, सुशांता टैगोर बनाम भारत संघ, अरुणा राय बनाम भारत संघ। गिव द राइट आंसर टू मिस्टर स्नाउ। मधुबनी संविधान 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। राइट आंसर इज ए, संजीव भटनागर बनाम भारत संघ के मामले में। उपरोक्त वाक्यांश उच्चतम न्यायालय के संजीव भटनागर बनाम भारत संघ के मामले में दिए गए निर्णय से लिया गया है। नवीन जिंदल का बाद राष्ट्रध्वज फहराने से, सुशांता टैगोर का बाद अनुच्छेद 51 ए 6 से संबंधित है, तथा अरुणा राय का बाद अनुच्छेद 28 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। संविधान में उपबंधित मूल कर्तव्य है, भारत की संप्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, निजी प्राइवेट संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी एवं वन्य जीव है रक्षा करना तथा उनका संवर्धन करना। कूट 1-3, 1-2, 1-2-3, 1-2 और 3 बताइए। यूपीपीसीए 2003। राइट आंसर इज ए, 1 और 3। भारत की संप्रभुता एकता अखंडता की रक्षा करना, और तीसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन झील नदी एवं वन्य जीव में रक्षा करना था उसको संवर्धन करना। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में मूल कर्तव्य है, भारत की प्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करना, संविधान का पालन करना, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, उपरोक्त सभी। एमपीएपीओ क्लेम 2010। राइट आंसर इज डी, उपरोक्त सभी। भारत संविधान के भाग 4 ए में मूल कर्तव्यों का वर्णन है, जो अनुच्छेद 51 ए में ए से लेकर टा तक वर्णित है, का से लेकर टा तक वर्णित है। भारत की प्रभुता एकता एवं अखंडता की रक्षा करना अनुच्छेद 51 का गा, संविधान का पालन करना अनुच्छेद 51 का तथा देश की रक्षा करना आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 का घा मूल कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए क्या करना अनिवार्य है? नमन करना, उसे गाना, गाना और आदरपूर्वक खड़े रहना, आदरपूर्वक खड़े रहना। यूपीपीसी 2002-2003। राइट आंसर इज डी, आदरपूर्वक खड़े रहना। आदरपूर्वक खड़े रहना। एम्यूनुअल बनाम निर्भिजो 1986 3SC 16615 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभिनत किया है कि राष्ट्रगान के प्रति अपेक्षित आदर प्रकट करने के लिए आदर को खड़े रहना पर्याप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना, देश की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। यूपीपीसीएस 1999 फिर 2008। राइट आंसर एज पी, अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, देश की रक्षा करना एवं प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना मूल कर्तव्य है, जबकि अनुच्छेद 51 के अधीन अंतरराष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि करना एक नीति तत्व है। 15, निम्नलिखित में से कौन मूल कर्तव्य नहीं है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, भारत की प्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण रखें, हमारी सामाजिक संस्कृति गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जल्दी से आंसर बताएं। यूपीपीसीएस 1995। कौन मूल कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर इज डी, हमारी गौरवशाली प्राचीन सभ्यता का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी और सारी प्राचीन सभ्यता का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि अन्य तीनों मूल कर्तव्य हैं।